लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 430 विधानसभा सीटों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर से हो चुकी है। इसी के साथ ही अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी को लेकर ही कार्मिकों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश में किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवजीत रिणवा ने कहा कि आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मीडिया से बात भी की गई है। इस दौरान उन्होंने अभियान में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकेंगे। तो ध्यान रहे कि कितने मतदाता अलग अलग निशक्ता वाले उस दिन आएंगे, उनके लिए अगर विशेष वहाँ फैसिलिटीज रखी जाती है जिससे वो अपना सही से मतदान कर सके। अभी पोलिंग स्टेशन का भी रैशनलाइजेशन हुआ था, जिसमें ये था कि 1500 से नीचे ही हम लोग किसी पोलिंग स्टेशन में मतदाता रखते हैं। तो इस रैशनलाइजेशन से हमारे जो फाइनल पोलिंग स्टेशन इस समय प्रदेश में है वो है 1,62,012 और टोटल लोकेशन जो अलग अलग स्थल है इन लोकेशन में कई पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। तो टोटल जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है पूरे प्रदेश में वो 92,587 है।